हाय दोस्तों, आज मैंने ख़रीदा है गोदरेज का सेमी ऑटोमेटिक मशीन। ये 8 kg का है और ये है 5 रेटिंग के साथ आता है, पावर सेविंग गाइड 8 kg। आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले हम इसका मॉडल दिखाते हैं। मॉडल है WSED GE 805.0 TB3 MLVDR। इसके मॉडल है और प्रोडक्ट कोड आप देख सकते हैं। और इसके वोल्टेज है AC करंट एंड फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और इनपुट पावर है 460 वाट्स पावर और इनपुट जो है 200 वाट स्पिन का है। और इसका केजी है, नेट वेट 27.30 kg। और मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्च 2027 है। और इसका रेट जो प्राइस है 19,000। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग कर दी, आप देख सकते हैं। यह है वास, स्पिन मशीन चलेगा, उसमें कपड़ा डालें, उसके बाद वाश करना है तो वाश में डालेंगे तो कपड़ा धुल के पानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें कपड़ा डाल के आप मशीन ऑन कर दीजिए, घूम के धुला के फिर वाश भी हो जाएगी। और ये है ड्राई, कपड़े को आप डालेंगे यहाँ तो ड्राई होगी। आई मैं धुल के दिखाऊंगा। ये है ड्रायर मशीन, इसे मिल जाता है स्पिन का और इधर वाश का। और वाश टाइमर है, फिर वाश सिलेक्टर है, 3 प्रकार का मिलेगा, जेंटल, रेगुलर और स्ट्रॉन्ग। इधर मिलेगा वाश एंड ड्रेन। फिर मिलेगा स्पिन टाइमर, स्पिन का भी टाइमर है। इधर नीचे में रबड़ पैड लगा हुआ है, ग्रिप जो नीचे रखने के लिए है। और इधर दोनों साइड में चक्का लगा हुआ है, इधर उधर कर सकते हैं। एक साइड लगा हुआ चक्का उठा के आप लोग देख सकते हैं, चक्का घूमता है। फिर ऐसा घसीट के ले सकते हैं। ये पाइप है, इसको नल में ऐसा कनेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो स्पेन रहेगा उसको वाश कीजिए करेंगे, फिर इधर नल ऑन करेंगे, फिर इधर पानी भरेगा, पानी हर्ली 8 से 9 लीटर पानी डालना पड़ेगा। अभी पानी भरा रहे हैं। पानी भर गया, अब निर्मा डालेंगे। फिर वास को निर्मा डाल लिए, वास को स्पेन में करेंगे, फिर मशीन ऑन करेंगे। अगर घूमेगी निर्मा थोड़ा सा घुड़ा जाके, घुड़ाने के बाद निर्मा घुल जाने के बाद कपड़ा को डालेंगे
जितना भी कम से कम 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही स्पैन होने देंगे, मोटर घूमते रहेगी। इसमें टाइमर सेट कर देंगे, अभी 15 का किए हैं, 15 मिनट चलेगी, घूमते घूमते सीधा। कोशिश करना है रेगुलर में ही रहे इला बटन, जो रेगुलर में ही रहना चाहिए। और अभी 15 मिनट होते होते अभी 10 मिनट होगा, तो 10 मिनट इला कांटा यहाँ जाएगा, फिर जब 15 मिनट ख़त्म हो जाएगी तो जीरो में आएगी, इला बटन जो है यहाँ टें टें करने लगेगा, आवाज़ उसकी बीप आवाज़ आएगी। आधा घंटा हो गया, 30 मिनट, अब उसके बाद कपड़ा निकलाते हैं, उठाते निकला है, अब चेक करना है साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। और कपड़ा जैसे साफ़ हो जाता है, जो इसका कूलर भी लगभग साफ़ हो ही जाता है, अगर नहीं होता है तो हल्का रगड़ना पड़ेगा हल्का में, तो फिर साफ़ हो ही जाता है। कपड़ा धुल जाने के बाद यहाँ का जो गंदा पानी है, निरमा पानी, उसको हटाते हैं। अब गंदा पानी निकालने के लिए जो वाश में है बटन, उसको चाबी जो घुमाएंगे यहाँ ड्रेन में, तो ड्रेन से यहाँ गंदा पानी निकलेगा, यहाँ पूरा खाली होगा ड्रेन के द्वारा। ड्रेन बटन ऑन करेंगे तो इधर खाली होगा पानी, और यहाँ जो अभी खाली हो गया सब पानी जितना था, अभी कपड़ा बचा हुआ कुल। और अगर कपड़ा को ड्राई करना है, सुखाना है, तो स्पेन मशीन में डालना है, और ये जो है इसको जीरो में है, तो इसको कितना मिनट अब आप करना चाहते हैं, 3 मिनट 5 मिनट 4 मिनट, तो 5 मिनट ऐसा करना है, तो आवाज़ करेगा ऐसा, और अंदर मशीन घूम। कपड़ा को मैंने धो लिया, अब ड्रायर में डालते हैं, इसे खोलना है, इसे डाल दिया आपने, इसको डालना है, घूम रहा है ये जो है ड्राई मशीन है, यहाँ घूम रहा है मशीन, और ऐसे उठाने से मशीन बंद हो जाता है, अंदर का देख रहे बंद हो गया, कि जो घूमता है उसको नहीं दिखा सकते हैं, ये खोलने से ही ऑटोमेटिक अपने बंद हो जाता है, आवाज़ कर रहा है, घूम रहा है मशीन। अब स्पेन में डालेंगे, मशीन घूमती है, फिर उसके बाद ये पानी निकलती है, जितना पानी है सबको सुखा देगी, और देख सकते हैं जितना भी कपड़ा सुखा देगी, जितना भी पानी है सबको निचोड़ के सब ड्राई कर देगी, कुछ करती है। स्पेन में डालने से खुद ब खुद ये जो चाबी है, जो टाइमिंग ख़त्म होती जाएगी, तो अपने आप ही मतलब कम होते जाएगी, घूमते रहिए अपने चाबी, आप लोग देख सकते हैं 3 में था, अभी 2 की ओर बढ़ते जा रही है, फिर 0 हो जाएगा, 0 मिनट हो जाएगा अपना, फिर ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा मशीन। लगभग 5 मिनट स्पैन करने के बाद, स्पैन मशीन में डालने के बाद ड्रायर मशीन में 5 मिनट में सारा पानी सोख लेती है, फिर इसको धूप हल्का दिखाना है, 5 मिनट भी धूप दिखा दिए तो पहनने लायक हो जाएगी। तो ये था जितना भी है इसका चलाने का विधि, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया, जो भी है वॉशिंग मशीन गोदरेज का जो चलाने का जितना भी विधि था मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, आशा करता हूँ अच्छा ही लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।